हरा भरा और घना, यह है कड़ी पत्ते का पौधा। क्योंकि पीछे दीवार है, बचा हुआ है तेज धूप से, इसीलिए यह इतना सुंदर और घना पनपा हुआ है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस पौधे के लिए। बसंत ऋतु में जब अनेक आकर्षक सुंदर फूल खिलते हैं बगीचे में, ये पौधा भी अपने सुंदर खूबसूरत सफ़ेद फूलों के गुच्छों से एक नया रंग भरता है बगीचे में, बहुत खूबसूरती के साथ। एक मध्यम आकार के पौधे के लिए 10 से 12 इंच का गमला काफ़ी है। और गमले में लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा है इन पौधों को तेज़ धूप से या ठंडी से बचाया जा सके। वातावरण के हिसाब से इनकी जगह हम बदल के इन पौधों को स्वस्थ रख सकते हैं। कड़ी पत्ते के पौधे को लगाने का सही समय है बारिश के पहले या बारिश की सीज़न के बाद। बारिश में ये पौधे जल्दी पनपते हैं। इन पौधों में मिट्टी में नमी रहती है और तेज धूप नहीं होती है, तो इनमें जल्दी ग्रोथ दिखती है। और इसी सीज़न में बड़े मीठे नीम के पौधे के नीचे छोटे छोटे नीम के पौधे फूट पड़ते हैं। ये नेचुरल अंकुरण होता है, ऊपर से बीज गिरते हैं और काफ़ी पौधे आपको दिखेंगे। कटिंग से कड़ी पत्ते के पौधे को उगाना बहुत ही आसान है। बसंत ऋतु में या बारिश के समय या फिर विंटर्स के पहले इन कटिंग्स को आसानी से लगाया जा सकता है। जिस मिट्टी में हम लगा रहे हैं वो मिट्टी थोड़ी नम होनी चाहिए, गीली होनी चाहिए कटिंग्स के लिए। मैच्योर टहनी से कटिंग्स काटें ब्राउन कलर की, और मिट्टी भुरभुरी हो तो ये कटिंग्स आसानी से मिट्टी में लग जाती हैं, नहीं तो एक होल बनाएं और उसमें कटिंग्स लगाएं। कटिंग्स थोड़ी गहरी लगाएं, पानी अच्छा दें ताकि नीचे नमी बनी रहेगी तो कटिंग्स जल्दी फूट पड़ेंगी। अब चलो चलते हैं, देखते हैं इस पौधे की फाउंडेशन क्या है। मैं किस मिट्टी का इस्तेमाल करती हूँ पौधों के लिए, कई बार आप पूछते हैं मुझसे, तो आप देख लीजिए। ये बड़ा स्टैंड है, इसके नीचे जगह है और वहाँ पे काफ़ी सारे पॉट्स रख रखे हैं मैंने, जिनमें मिट्टी तैयार हो रही है। ऑर्गेनिक वेस्ट, गार्डन का किचन वेस्ट, थोड़ा काउडंग मैन्योर, कंपोस्ट, मिट्टी सब मिक्स करती रहती हूँ और उन कंटेनर्स में मिट्टी तैयार होती रहती है। बारिश की सीज़न में तो खासकर जब गर्मी और नमी होती है और पानी पड़ता रहता है कंटेनर में, तो ये मिट्टी जल्दी तैयार हो जाती है। अब कड़ी पत्ते के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टिप, इस पौधे की पत्तियां काटते रहें, तोड़ते रहें, तो ये पौधा और भी हरा भरा, स्वस्थ, घना हो जाता है। औषधीय गुणों से भरपूर है ये नीम की पत्तियां, मीठे नीम की पत्तियां।
भोजन में अगर इनका इस्तेमाल करें तो भोजन को स्वादिष्ट तो बनाती ही है और स्वास्थ्य लाभ भी होता है। काफ़ी इसके बारे में मैंने पढ़ा और समझा है, उसके बाद मैं इसका इस्तेमाल अधिक से अधिक करने लगी हूँ। इन पत्तियों को फ्रिज में काफ़ी दिनों तक हम स्टोर कर सकते हैं, हमारे लिए हैंडी होती हैं, या तो छोटा पॉट ही घर के एंट्रेंस पे रखा हुआ हो तो वो भी हम काफ़ी फ्रेश पत्तियों के यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सभी को इस पौधे के बारे में जानना समझना बहुत ज़रूरी है ताकि इसका भरपूर लाभ उठा सकें। फ्रेंड्स, अब आखिरी बट मज़ेदार नुस्खा। मैं इन पत्तियों को सुखा के रखती हूँ, बिल्कुल हैंडी यूज़, क्रंची रहती हैं। बॉटल में भर के रखें, अच्छी धूप लगा के इन पत्तियों को बॉटल में हम भर के रख सकते हैं, और फिर जब भी हमको स्नैक्स खाने हों या रायता, छाछ, दही में हमको कुछ स्वादिष्ट फ्लेवर डालना हो तो इन पत्तियों को क्रश करके डालें दूसरे मसालों के साथ और अपना स्वाद बना के भरपूर मज़ा उठाएं। ऐसा मैं करती हूँ और मैंने सोचा आज सबसे शेयर करूँ। इन पत्तियों का पाउडर भी बना के रख सकते हैं। सूखी हुई इन पत्तियों के पाउडर को हम हेयर मास्क या फेस मास्क में भी मिक्स करके इसका पूरा भरपूर लाभ उठा सकते हैं। खाने में, व्यंजनों में, दही कढ़ी, छाछ में, रायते में इन पत्तियों का अगर हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसी ही हरी की हरी रहती हैं और डिशेस बहुत सुंदर लगती हैं जिनमें हम कड़ी पत्ता डालते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये थी रोचक जानकारी हरे भरे उपयोगी पौधे कड़ी पत्ते की। अक्टूबर मंथ में बगीचे में काफ़ी कुछ नया किया जाता है। बारिश की सीज़न के बाद थोड़ी मिट्टी भी बदली जाती है, पौधों की खाद दिया जाता है, गुलाबों की कटिंग होती है। ख़ास करके सर्दी का पौधा क्रिजैंथमम भी इसी महीने लगाया जाता है, वर्षा ऋतु में लगाया जाता है। पर अगर आपने न लगाया हो तो इसकी सैपलिंग्स आसपास की लोकल नर्सरी में आपको मिल जाएगी। तो कुछ तैयारी करने से हम बगीचे को बहुत सुंदर बना सकेंगे सर्दियों में, और ख़ास करके बसंत ऋतु में रंगीन। इसीलिए मैं चाहूँगी कि हम एक दूसरे से जुड़े रहें। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, लव यू। आप डिस्क्रिप्शन चेक करते रहें, कभी कभी मैं कुछ इंटरेस्टिंग गार्डन लिंक्स डिस्क्रिप्शन में देती हूँ। गुड बाय फ्रेंड्स, लव यू।